हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन शाला। तो आज का जो ये वीडियो है ये बिल्कुल ही अलग होने वाला है, और ये वीडियो सबके लिए नहीं है। अगर आपको अपने क्लास में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ही आप ये वीडियो देखना, क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे कि एक महीने में, दो महीने में कैसे टॉपर बनते हैं। बट मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, ये एक महीने, दो महीने, तीन महीने का प्रोसेस नहीं है। अगर आपको आपके क्लास टेंथ में या ट्वेल्थ में अच्छे मार्क्स लाने, मैं बोर्ड एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो उसके लिए आपको कम से कम वन ईयर के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ओके, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाते हैं जहाँ पे वो लोग आपको बताएंगे कि ऐसे करो, वैसे करो, ये टिप्स ट्राई करो, सुबह उठ के पढ़ो, रात को पढ़ो, ऐसे। बट वो सब काम नहीं आता है, एक्चुअली वो सब काम नहीं आता है। वहाँ बस आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। और यहाँ पे मैं आपको जो भी बताऊँगा, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, आपने डेडिकेशन से फॉलो किया वो चीज़, तो आपके डेफिनेटली ये जो आप सामने देख रहे हो 50% टू 90%, मैं जानता हूँ कि आप 50% वाले नहीं हो, फिर भी अगर आपके कितने भी परसेंट आते हैं, आप उस परसेंटेज को 30 प्लस कर सकते हो। ओके, 30 टू 40 प्लस कर दोगे अगर आपने इस चीज़ को पूरा फॉलो किया अच्छी तरह से तो। और अगर आप ऑलरेडी 80% वाले, 80 टू 85% वाले स्टूडेंट, तो ज़रूर आप 90 क्रॉस कर दोगे। बट उसके लिए आपको ये वीडियो ध्यान से, जो भी मैं बताऊंगा वो आपको एकदम एग्जैक्टली फॉलो करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं। सबसे पहले जब ईयर स्टार्ट होता है, तो जब हम लोग बहुत सारी वीडियोज़ देखते हैं कि कैसे हम लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, और यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका पिछले साल आपके, अगर आप 10th स्टैंडर्ड में जाने वाले हो या 12th स्टैंडर्ड में जाने वाले हो और आपका 9th में 60% आया है, कितना भी परसेंट आया है, 40, 50, 60, दैट डजंट मैटर। आप कितना, अगर आपको सच में करना है तो अगर आपने जो भी चीज़ें मैंने यहाँ बताई, अगर आपने एकदम एग्जैक्टली उसको फॉलो की, तो आपके परसेंटेज डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग मिस्टेक्स देख लेते हैं, कुछ कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं। जब हम लोग वीडियो देखते हैं कि हाउ टू बिकम अ टॉपर ऑफ अ क्लास, ऐसे आपने बहुत सारे वीडियोज़ देखे होंगे, तो वहाँ पर आपको बताएंगे कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने चाहिए। ओके, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है जो हर वीडियो में आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगी। उसके बाद बोलेंगे कि पेपर प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए। और फिर एक होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए या 70 प्लस 70 टू 80 प्लस लाने के लिए, अगर मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पढ़ता हूँ, जो पूरा जो सम हमारा जो चैप्टर होता है, चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइज होती है, अगर मैं उसके क्वेश्चंस पढ़ता हूँ तो क्या मैं अच्छे मार्क्स ला पाऊंगा, एक ये क्वेश्चन होता है। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो साल भर वो इंजॉय करते हैं पहली बात तो, उसके बाद फिर एंड में जब उनको लगता है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, जब उनको लगता है कि अब मैं पेपर में, उनको लग रहा है कि अब मैं पेपर में शायद फेल हो जाऊँ, तो वो क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। अपने टीचर्स को बोलते हैं कि हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, या कहीं से भी यूट्यूब में बहुत सारे हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, वहाँ पे कमेंट करते हैं या उनको बोलते हैं। ओके, तो उनको वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो दे भी देते हैं और इनको मिल जाते हैं, इनको लगता है कि वहीं से पढ़ के अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। ओके, और एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, मैं एक्चुअली साइंस का स्टूडेंट हूँ, महाराष्ट्र बोर्ड का, तो मैं उसके एग्जाम्पल्स दूंगा। अगर आप किसी और बोर्ड के हो तो प्लीज़ उसको आप अपने बोर्ड से रिलेट कर लेना। ओके, तो अगर साइंस का कोई भी स्टूडेंट है तो उसके पास चार सब्जेक्ट होते हैं, चार कोर सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। ओके, उसके बाद क्या होता है, एडिशनल इंग्लिश और हिंदी होता है, हिंदी और कोई भी चेंज होता है यहाँ पे, तो मैं जनरल साइंस की बात कर रहा हूँ। तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स की साल भर पढ़ते, अगर जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो साल भर क्या करेंगे, इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, लैंग्वेजेस को हाथ भी नहीं लगाएंगे, साल भर वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो पढ़ने वाले हैं। उसके बाद एग्जाम के एक मंथ पहले वो लोग क्या करेंगे, फिर एग्जाम के जस्ट एक महीने पहले या दो महीने पहले लोग इंग्लिश को पढ़ना शुरू करेंगे और हिंदी खोलेंगे। देन दे डोंट नो कि एग्जैक्टली अब क्या करना है, यहाँ पे उनको कोई आइडिया नहीं है। और फिर क्या होता है कि वो उनका बाकी सब्जेक्ट्स में ठीक ठाक मार्क्स आता है और इंग्लिश और हिंदी में कम मार्क्स आ जाता है, और उनका फिर ओवरऑल जो परसेंटेज होता है वो गिर जाता है। ओके, तो मैं इस वीडियो में आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है। देखो, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने बैठोगे और आपको पोर्शन ही नहीं पता है, आपकी जो टेक्स्ट बुक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो मुझे पता तो होने चाहिए ना कि वो कौन से चैप्टर के हैं, वो कौन से चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन है। जब मैंने पढ़ाई ही नहीं की है, अपनी बुक ठीक से पढ़ी ही नहीं है, तो मुझे कैसे पता होगा कि ये इस चैप्टर का ये क्वेश्चन है। ओके,
तो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके मतलब क्या बनेगा? अगर आपको यही नहीं पता कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। और पेपर प्रेजेंटेशन ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है आप पेपर में कितना कैसा हैंडराइटिंग लिखते हो, बस मॉडरेटर आपका ये देखता है कि आप किस तरह से आंसर को फ्रेम कर रहे हो। बहुत ज़्यादा हैंडराइटिंग मैटर नहीं करती, सिंपल आप लिखो। मैं भी खुद जब जितनी बार मैंने पेपर दिया मैंने सिंपल ही लिखा हमेशा, तो आप बस सिंपल हैंडराइटिंग को लिखो कि समझ में आना चाहिए, जो मॉडरेटर चेक करने वाला है उसे एग्जैक्टली क्या आपने लिखा है वो समझ में आना चाहिए बस, और उससे ज़्यादा कुछ भी मैटर नहीं करता। अगर आपको आंसर प्रॉपरली आता है तो उनको ना ऑलरेडी पता चल जाएगा आपका पेपर देख के कि ये स्टूडेंट है, इसको आता है, इसने पढ़ाई की है साल भर, और आपको मार्क्स मिलेंगे वहाँ पे एग्जैक्ट अगर आपने सच में पढ़ाई की होगी तो। ओके, उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन, और मैं सच बता रहा हूँ ये बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते हैं, बट कुछ लोग होंगे जो जानते होंगे कि एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस होते हैं ना पीछे के, वो उसको पूरा पढ़ना ना बहुत ज़्यादा टफ होता है एज कम्पेयर टू चैप्टर को पढ़ना। लोगों को लगे चैप्टर को पढ़ना मुश्किल होता है, एक एक चैप्टर का एक एक पेज पढ़ना पड़ेगा, एक एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर मैं एक स्टोरी बताऊँ आपको, ओके, और वो स्टोरी आपको पूरी अच्छे से समझ में आ गई, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ, फॉर एग्जाम्पल वो आपने रैबिट और टॉर्टॉइस की स्टोरी सुनी होगी, ओके, तो उसमें मैं आपसे पूछूँ कि वो जो टॉर्टॉइस था वो कैसे आगे निकल गया, तो आपको आंसर पता है क्योंकि आपको स्टोरी पूरी पता है वहाँ पे। तो स्टोरी जो याद करनी होती, जो स्टोरी होती है ना वो सिंपल होती है उसको याद करना। तो जो आपको पूरा चैप्टर है वो क्या है, वो एक स्टोरी ही तो है, एक कॉन्सेप्ट है, उसको बस समझ लो, उसको समझना ईजी है एज कम्पेयर टू आप पूरे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको जब पढ़ोगे ना वो उल्टा टफ है। अब मैं नहीं जानता कि ये कितने स्टूडेंट्स ये बात को समझ पाएंगे, लेट इट बी। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आप टीचर्स से अपने मांगते हो ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो क्या करते हैं पता है टीचर्स आपके, वो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपका फिजिक्स का पेपर होने वाला है, तो वो क्या करेंगे, फिजिक्स का पेपर का 5 साल का उनको पता होता है कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है या रिपीट होता है, तो वही क्वेश्चन आपको वो बता देंगे कि ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो आएगा, ओके। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट फिर वहाँ पे क्या करते हैं, उनको लगता है हाँ ठीक है यही आने वाला है, और फिर वो वही पढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर उनको बाद में पता चलता है एग्जाम में कि अरे यार ये तो आया ही नहीं, फिर उनको लगता है कि अब हमारे टीचर ने हमें बेवकूफ़ बना दिया, ओके। बट ऐसा नहीं है, कोई भी टीचर आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि एग्ज़ाम में आने वाला क्या है, किसी को भी नहीं पता होता वो, किसी भी टीचर को नहीं, लेकिन वो आपको बता देंगे क्योंकि आप उनको बार बार परेशान करोगे, बार बार पूछोगे, तो उनको कोई ना कोई जवाब तो देना ही पड़ेगा, तो वो आपको बता देंगे कि ये कर लो। पर ऐसा कोई एज सच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता, ओके। और कोई भी क्वेश्चन ज़रूरी नहीं कि वो एग्ज़ाम में पूछा ही जाए। हर बार जैसे आप इस बार था कि लॉकडाउन था, लॉकडाउन के बाद जब आपका एग्ज़ाम हुआ, पिछली बार पेपर कैंसिल हो गया था, उसके बाद क्या हुआ, अभी इस साल पेपर हुआ आफ्टर लॉकडाउन, तो इस बार जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो चेंज हो गया होगा थोड़ा बहुत, ओके। तो ज़रूरी नहीं कि आप कितना भी क्वेश्चन कहीं से भी देख लो, कहीं कितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई भी आपको गारंटी भी दे दे, लेकिन ज़रूरी नहीं वो क्वेश्चन आने ही वाला है, ये चीज़ हमेशा आप अपने ध्यान में रखना, ओके। उसके बाद ये लैंग्वेज का तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये मिस्टेक होती है, तो अब आगे देखते हैं हम लोग, वहाँ भी मैं आपको एक ही चीज़ बताता हूँ कि अब क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए एग्जैक्ट। तो ये है, ये जो स्लाइड है ये 9th और 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आपका कोई भी फ्रेंड है जो 9th में है या जाने वाला है, तो प्लीज़ आप ये वीडियो उनको शेयर कर देना 9th और 11th वालों को। और अगर आप 10th में हो या 12th में हो या जाने वाले हो, तो भी आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। अगर आपको ये चीज़ें आती हैं तो वेल एंड गुड, और नहीं आती तो आपको जल्द से जल्द ये सब चीज़ें सीखनी है। आपके वैकेशन जो अभी थोड़ी बहुत छुट्टियाँ होने वाली हैं वहाँ पे आपको ये चीज़ें सीखनी है अगर नहीं आती है तो, अदरवाइज़ आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है आपके लिए। इसलिए ये सारी बेसिक चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको अभी इस टाइम पे सीखना शुरू कर देना अगर आपको नहीं आता है तो, ओके। और 9th और 11th वालों को एग्जैक्टली ये क्या करना है उनको, वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। एक बहुत ही कॉमन मिथ होता है कि 9th में जो स्टूडेंट होते हैं उनको लगता है कि मैं तो अभी स्कूल में हूँ, और 11th वाले जो होते हैं वो नए नए कॉलेज में गए होते हैं, तो उनको लगता है अभी ये तो इन्जॉय करने का टाइम है। तो ठीक है, इन्जॉय करने का टाइम है, लेकिन उनको अभी क्या करना चाहिए वो मैं बताता हूँ। अभी जो 9th स्टैंडर्ड में जो सब्जेक्ट्स होते हैं महाराष्ट्र बोर्ड में, वो होता है इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी और मराठी। ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। ये होता है SS, सोशल स्टडीज़, ओके।
और जो 11th में अगर साइंस का मैं बात करूं तो इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड हिंदी ये सब्जेक्ट्स होते हैं। ओके, तो जो 9th के स्टूडेंट होते हैं उनको क्या करना है एग्जैक्टली, उनको बस हमेशा ये चीज़ याद रखनी सबसे पहले 9th और 11th वालों को, कि उनका जो बोर्ड का जो टाइम है, जो जो वो 10th में करने वाले हैं, वो अभी 9th में ही शुरू हो चुका है। ओके, 9th इज द बेस ऑफ 10th एंड 11th इज ऑल्सो द बेस ऑफ 12th। आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, जो आप अभी पढ़ने वाले वो सारा का सारा आपको 10th में आएगा, और फिर अगर वहाँ पे नहीं आता होगा तो आपको वापस से जो आपने 9th में नहीं छोड़ दिया है ना, वो आपको सीखना पड़ेगा। तो सोचो कितना एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट होने वाला है अगर आपने 9th में बेसिक चीज़ें नहीं सीखी हैं। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको क्या बेसिक चीज़ें सीखनी है, किस चीज़ पे फोकस करना है आपके 9th में और 11th स्टैंडर्ड में। और अगर आप 10th में पहुँच चुके हो और 12th में पहुँच चुके हो, आपका अगर स्टार्टिंग का ईयर है, स्टार्टिंग का टाइम है अभी, तो आपको सबसे पहले ये चीज़ें सीखना शुरू कर देना है। जल्द से जल्द ये चीज़ें सीख लो, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में ही नहीं आएंगी। तो देखते हैं हम लोग, सबसे पहले जो इंग्लिश है, तो इंग्लिश में क्या करना है। इंग्लिश का जो आपका सब्जेक्ट होता है उसमें मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको क्या है। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेजेस जो हैं आपके, यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो क्वेश्चन होता है वो पैराग्राफ से आता है, पैराग्राफ बेस्ड हम लोग को आंसर वहाँ पे ढूंढना होता है और फिर लिखना होता है। ओके, तो इसमें ही जो हमारा जो पेपर होता है, एटलीस्ट यहाँ पे 40 मार्क्स तक, अप्रॉक्स 40 मार्क्स तक ऐसा ही हम लोग को पैराग्राफ से आंसर ढूंढ के लिखना होता है 40 मार्क्स तक। ओके, और फिर 10 मार्क्स का ग्रामर होता है, और राइटिंग स्किल जो होता है वो 25 to 30 मार्क्स का राइटिंग स्किल होता है। ये मैं अप्रॉक्स दे रहा हूँ, मुझे भी याद नहीं है एग्जैक्टली कितना है, वो जो भी मार्क्स है मैं आपको ये बताने, मेरा काम ये है बताना कि आपको करना क्या है यहाँ पे। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके एग्जाम में आती है, इसी तरह से आपका इंग्लिश का और हिंदी का पेपर बनता है, इसी 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है आपका पेपर। ओके, तो देखो इंग्लिश में आपको जब पैराग्राफ ढूंढना है, पैराग्राफ में से आंसर ढूंढना है, और हिंदी में आपको पैराग्राफ में आंसर ढूंढना है। तो जब आप पढ़ना शुरू करते हो, जब आपका ईयर स्टार्ट हुआ है 10th, 9th, 11th, 12th का, तो आपको क्या करना चाहिए पता है, एक पैराग्राफ लो इंग्लिश का, उठाओ, बुक्स आती है बहुत सारी, हमारे पास बहुत सारी पब्लिकेशंस की बुक होती हैं, उनको उठाओ और वहाँ पे जो पैराग्राफ्स है ना उनको क्वेश्चन पढ़ो। आपको ये एग्जैक्टली प्रैक्टिस करना है कि क्वेश्चन पढ़ के आपको आंसर ढूंढने आना चाहिए। ओके, ये अगर आपको आ गया तो ज़रूरी नहीं कि आपको सब चैप्टर पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश का। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के आंसर ढूंढना आता है किसी पैसेज का, चाहे वो सीन पैसेज हो चाहे अनसीन पैसेज हो, उसका आंसर पैराग्राफ में होता है। ओके, तो उसको अगर पढ़ के अगर आपको समझ में आती है थोड़ी बहुत इंग्लिश, तो उसको पढ़ के आप आंसर ढूंढ सकते हो, और हिंदी का भी सेम वैसे ही, पढ़ के आप आंसर ढूंढ सकते हो। तो उसको करके आपके यहाँ पे 40 मार्क्स आ जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 9th में हो, 10th में हो, 11th में, 12th में, कहीं पे भी हो, कौन से भी स्टैंडर्ड में हो आप, तो आपको क्या करना है, दो पैराग्राफ आपको एटलीस्ट सॉल्व करना है, दो पैराग्राफ हिंदी का एक एक इंग्लिश का। तो उसमें उसको ढूंढ के आपको प्रॉपरली उसका आंसर लिखने का ट्राई करना है, उसके बाद उसको चेक करो कि क्या वो आपने जो लिखा है वो राइट है नहीं है, उसको करेक्ट करो। तो ऐसे ही आपको वो चीज़ें सिंपल आपको आने लग जाएंगी धीरे धीरे। ओके, तो पैराग्राफ को प्रैक्टिस करना है आपको, ज़रूरी नहीं आपको सारे लेसन पढ़ने हैं, और लेसन भी बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको पढ़ने में, आप बस स्टोरी समझ लो क्या है, आपको वो इजी हो जाएगा। और अगर आपने इंग्लिश को हिंदी को इम्पोर्टेंस नहीं दी तो आपका ओवरऑल परसेंटेज कम होने वाला है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ओके, उसके बाद ग्रामर के लिए क्या करना है, ग्रामर आपका 9th में आपको ध्यान देना है, पेपर को उठाओ 10वीं का और देखो वहाँ पे कौन कौन से ग्रामर हैं जो आपको 10th में आने वाले हैं, 10th के बोर्ड एग्जाम में। 9th में आपका यही फोकस होना चाहिए कि आपको 10th में क्या आने वाला है वो आपको यहाँ पर रेडी कर लेना 9th में ही। तो जो भी ग्रामर है उसके बेसिक रूल्स लिखो, एक बुक बनाओ ग्रामर की, उस बुक में आपको हमेशा क्या करना है, उस बुक में आपको क्या करना है एग्जैक्टली, पूरे जो भी ग्रामर है, फॉर एग्जाम्पल आप लिख रहे हो टेंसेस पढ़ रहे हो आप, ओके टेंसेस पढ़ रहे हो आप, तो जो भी टेंस आप पढ़ रहे हो वो लिखो, उसके जो भी रूल है वो लिखो, उसके बाद जो उसके एग्जाम्पल्स हैं वो पूरा लिखो वहाँ पे। ओके, तो इस तरह से आपको एक ग्रामर की बुक बना लेनी है। जब आप ग्रामर की बुक बना लोगे उसके बाद उसमें जो पूरा ग्रामर है वो अगर आपका 9th में ही रेडी होगा तो 10th में आपको बस बेसिक उसको वीक में या मंथ में एक बार रिवाइज करोगे ना तो आपको एग्जाम में इतना प्रॉब्लम नहीं होगी। और हमेशा आपको 9th में या 11th में सब लोगों को लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो
यहाँ पे तो हमें बस इंजॉय करना है, तो प्लीज़ ये सब चीज़ें ध्यान रखो। और राइटिंग स्किल का भी बिल्कुल ग्रामर जैसे मैंने अभी बताया बिल्कुल, कि ग्रामर के लिए आपको क्या करना है कि एक एक रूल लिखो, एक बुक बनाओ, वैसे ही आपको बिल्कुल राइटिंग स्किल के लिए भी करना है। और अगर आपने नहीं किया अब तक और आप 12th में या 10th में पहुँच चुके हो, तो अभी जल्दी से जल्दी आप ये बना लो, ये सब चीज़ें कर लो, एक बुक बना लो और वहाँ पे पूरे फॉर्मेट्स लिख दो कि अगर आपको ईमेल राइटिंग लिखनी है तो वो कितने लाइन की होनी चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और वो सब आपको कहाँ से मालूम पड़े, आपको यूट्यूब से मालूम पड़ जाएगा वो सारी चीज़ें, यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। ओके, और हमारे चैनल पर भी बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो इसको पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि ये राइटिंग स्किल में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, ये इसका फॉर्मेट है, इस तरह से इसको लिखा जाता है, इतने लाइन का होता है, फिर इतने पैराग्राफ्स का होता है, इतने नेसेसरी चीज़ें हैं, इतना ही वो सारा फॉर्मेट अगर आप एक बुक में लिख लेते हो तो बाद में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी फिर। और दो तीन उसके एग्जाम्पल्स के तौर पर आप लिख सकते हो, दो तीन राइटिंग स्किल के, हर एक टॉपिक का 3-4 राइटिंग स्किल आप खुद से लिखो, देख के कहीं से कोई ग्रामर बुक आप परचेज कर सकते हो, उसमें से लिख सकते हो। और लेकिन जो भी लिखो उसको पहले समझने की कोशिश करो, उसके बाद ही लिखना। ओके, उसके बाद मैथ्स में आपको क्या करना है, मैथ्स में 9th में और 11th में या आप स्टार्टिंग में हो तो भी आपको बेसिक जो आपके फॉर्मूलेज हैं, बेसिक फॉर्मूले मतलब क्या, a प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, जैसे ऐसे ये जितने भी फॉर्मूलेस हैं, a माइनस बी द होल स्क्वायर, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जितने भी, या ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूलाज हैं आपकी बुक में, जितने भी बेसिक फॉर्मूलाज हैं, वो सारे फॉर्मूलाज की एक बुक बनानी चाहिए आपको। और वो सारे फॉर्मूलाज को आपको एक वीक में हर वीक में आपको उसको रिवाइज करना चाहिए, ये सब करना पड़ेगा आपको। ओके, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं और एक महीने में कोई टॉपर वॉपर नहीं बनता है, ये सब झूठ है। उसके बाद आपको डेली मैथ्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स दिला सकता है, क्योंकि मैथ्स में सम हमें सॉल्व करना होता है तो वहाँ पे स्टेप्स के मार्क्स भी मिल जाते हैं, और सम अगर आपने कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया है और आपका आंसर राइट आया, आपने ठीक से लिखा हुआ है ना, तो आपके मार्क्स वहाँ पे मिल जाते हैं आपको। बाकी सब्जेक्ट्स में ना स्पेलिंग मिस्टेक होती है या कोई और मिस्टेक हो जाती है, लेकिन मैथ्स में अगर आपने ठीक से हर सॉल्व किया है सम्स, तो आपको वहाँ पे आउट ऑफ मिलने के भी चांस होते हैं। तो मैथ्स एक बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यहाँ पे इसको प्रैक्टिस करना अगर आप ठीक से इसको करते हो तो आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है मैथ्स की वजह से। अगर आप किसी भी टॉपर से मिलोगे तो देखोगे, अगर आप उनको नोटिस करोगे, उनका हमेशा मैथ का मार्क्स ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, मोस्ट ऑफ द टॉपर्स का ऐसा ही होता है। और बेसिक मैथ्स आपका जो है कि प्लस डिवाइड इंटू मल्टीप्लाई, ये सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पॉइंट वाला डिवीजन नहीं आता, मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आता, जहाँ पे थोड़ा पॉइंट आया या कुछ भी थोड़ा सा अलग आया तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सारी चीज़ें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए आपके एग्जाम्स में। ओके, तो ये फिजिक्स, ये आप देख सकते हो। साइंस के लिए क्या करना है, अभी ये साइंस 12th वालों के लिए भी है। ओके, तो अगर आप फिज़िक्स पढ़ रहे हो तो कोई भी फॉर्मूला या कुछ भी आप पढ़ते हो तो उसको समझो पहले, ऐसे ही कोई चीज़ को रट्टा मार के मत बैठ जाओ। अगर आपने रट्टा मार लिया तो आप पूरी बुक को, अगर 12th की बुक को ऑब्जर्व करोगे, वो इतनी मोटी है लिटरली कि आपको वो याद नहीं होने वाली पूरी की पूरी। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे पढ़ना है, एक छोटा सा एग्जाम्पल। बाद में मैं इस पर सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा फिजिक्स के ऊपर, कि इसमें इसको आप कैसे पढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, जैसे स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम क्यों, वाई? तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे ये तो फॉर्मूला है, ये तो है ऐसा ही होता है, तो इसमें कोई किसी को कुछ भी नहीं पता, किसी को पता भी होता है तो कोशिश करो उसको समझने की, क्यों स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं आपको बताता हूँ कि क्यों स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फॉर एग्जांपल, एक कार है, ओके, वो पॉइंट ए पे है, उसको पॉइंट ए से बी तक जाना है। ओके, और ये पॉइंट ए से बी का डिस्टेंस है वो समझ लो 1 मीटर है। ओके, तो और यहाँ से इसको यहाँ तक जाने के लिए इसको 1 सेकेंड लग रहा है, 1 सेकेंड,
एक सेकंड में ये 1 मीटर ये कार जा रही है। अगर मुझे कार की स्पीड बतानी है, कार की स्पीड कितनी है, तो उसके लिए दो ही क्वांटिटीज़ तो इम्पॉर्टेंट है ना, एक कार जो कार है वो कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रही है, ओके कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रही है। तो ये जो कार है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 1 मीटर का, कितने टाइम में, 1 सेकंड में। तो कार की स्पीड क्या हुई, कार की स्पीड हुई 1 मीटर पर सेकंड। और ये डिस्टेंस अपॉन टाइम कैसे बना, बिकॉज कार जो है वो डिस्टेंस कवर कर रही है इन अ पर्टिकुलर टाइम, दैट इज व्हाट स्पीड, ओके। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा मैंने क्या बताया है। तो इसी तरह से आपको फिजिक्स को पढ़ना है, वहाँ के जितने भी फॉर्मूलाज है उसको समझने की कोशिश करो, और हर जगह पे क्वेश्चन पूछो कि क्यों ये ऐसा है, और उसको कोशिश करो समझने की। टीचर से पूछो अपने, जैसे हो सकता है वैसे समझो, क्योंकि आप पूरी बुक को याद नहीं रख सकते, दिस इज़ द रियलिटी। उसके बाद केमिस्ट्री के लिए आपको केमिकल रिएक्शंस को, बेसिक केमिकल रिएक्शंस, केमिकल बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, कितने टाइप के रिएक्शंस होते हैं, क्या होता है रिएक्शन, कैसे होता है, और क्या हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें, तभी आपको समझ में आएगी फिजिक्स और तभी आपको इंटरेस्ट आएगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो इंटरेस्ट भी नहीं आता, और इंटरेस्ट नहीं आएगा तो पढ़ने का मन भी नहीं करेगा, और पढ़ने का मन नहीं करेगा तो मार्क्स कम आने वाले हैं ऑब्वियसली। उसके बाद बायो, बायो में भी बायो का सिंपल होता है बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपैरिजन में, आप उसको एकदम लाइन टू लाइन अगर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा बायो। तो हर चीज़ को समझो, टाइम वेस्ट मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं कि पीछे के क्वेश्चन उठा लिया उसको पढ़ना शुरू कर दिया, वो एक राइट तरीका नहीं है, वो एक राइट वे नहीं है मार्क्स लाने का। आएंगे वहाँ से ही मार्क्स आएंगे, लेकिन उतने नहीं आएंगे जितने समझ के, कॉन्सेप्ट को समझ के आने वाले हैं, ओके। उसके बाद सोशल स्टडीज़, ये जो हमारा 10th में होता है, 9th में होता है, इसमें क्या करना है, इसमें आप कोशिश करो समझने की, लेकिन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में नहीं आती हैं, ओके। तो यहाँ पे आपको रट्टा मारना पड़ेगा, कुछ कुछ चीज़ें होती है जहाँ पे रट्टा मारना पड़ता है। तो बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो अच्छे से समझाते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे टीचर्स नहीं मिलते हैं जो एक एक चीज़ आपको समझा पाएँ। तो वहाँ पर आप रेडी रहो कि यहाँ पर रट्टा मारना है, और उसके लिए भी आपको हमेशा एकदम ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि जब आपका शुरू हो रहा है ईयर, तभी से आपको शुरू कर देना वो सब्जेक्ट को पढ़ना, क्योंकि रट्टा मारने के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि बार बार आपको उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करना पड़ता है। किसी चीज़ को आप रट रहे हो, बाय हार्ड कर रहे हो, तो उसको बार बार रिवाइज करोगे तभी वो दिमाग में रहती है, अदरवाइज आप उसको भूल जाने वाले। ये यहाँ पे बायो मिस्टेक के लिए टाइप हो गया है, बायोलॉजी, तो उसको नेग्लेक्ट करना, ओके। उसके बाद हम आगे देखते हैं, हाउ टू स्टडी, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे पढ़ना है एंड हाउ टू अंडरस्टैंड। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है, उनको समझ में ही नहीं आता, अगर वो चाहते भी हैं पढ़ना तो उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा होता। जो उनके जो टीचर्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम होती है, वो टीचर्स उनको अच्छे से नहीं बता पा रहे होते, तो उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे वो समझें, कैसे वो पढ़ें उस चीज़ को, या कोई वो पर्टिकुलर बुक पढ़ना चाहते हैं या उनको पढ़ने का मन भी है लेकिन टीचर्स उन्हें अच्छे नहीं मिले हैं, तो क्या करना चाहिए उन्हें। तो मैं बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा आपको क्या करना चाहिए और मैं क्या करता था। तो आपको सिंपली सबसे पहले तो आपकी खुद की जो बुक है उसको रीड करो, एक पेन मत लो, हाईलाइटर लो और एक पेंसिल लो, और टेक्स्ट बुक को ओपन करो, आप स्टार्टिंग टू एंड तक चैप्टर को पहले रीड करो। यहाँ पर आपका टाइम बहुत जाने वाला है, लेकिन आप बहुत कुछ यहाँ पर सीखोगे खुद से। जब रीड करोगे तो आपको खुद से रीड करने पे आपका जो चैप्टर होगा ना, वो 40% वहीं पे क्लियर हो जाएगा, रीडिंग में ही वो चैप्टर 40% क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हेल्प ले सकते हो यूट्यूब की, गूगल की हेल्प ले सकते हो। और जब आप रीड कर रहे हो तब आपको बहुत सारे वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता होती है, तो उसको टिक करो और वहाँ पे उसको सर्च करके लिखो वहाँ पे पेंसिल से मार्क करके कि इस वर्ड का ये मीनिंग है। ऐसे करके अगर आप पढ़ते हो तो बहुत ज़्यादा आपको लिटरली बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी धीरे धीरे, और आपको बहुत सारे वर्ड की मीनिंग्स भी याद हो जाएंगे। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा, वो जब आप करोगे तो वो आपको बाद में समझ में आएगा कि हाँ एग्जैक्टली आपने यहाँ से क्या क्या चीज़ें सीखी हैं जो सब नहीं समझ पाते हैं। और उसके बाद अगर नहीं समझ में आ रहा है वहाँ से, यूट्यूब से भी समझ में नहीं आ रहा, तो आपके जो क्लास का टॉपर है उससे आप पूछ सकते हो, बहुत सारे लोग हेल्प नहीं करते
लेकिन कुछ कुछ होते हैं जो हेल्प कर देते हो, तो उनसे आप पूछ सकते हो। और वो उसके बाद भी नहीं समझ में आया तो आप अपने बड़े भाई बहन से पूछ सकते हो, फिर भी नहीं समझ में आया तो अपने क्लास के टीचर्स जो होते हैं, क्लासेस ट्यूशन के जो टीचर्स होते हैं उनसे आप पूछ सकते हो। तो ऐसे करके आप पूछ सकते हो सबसे, जितना हो सके आप ट्राई करो सबसे करने के लिए, कांटेक्ट करो सब, अपने फ्रेंड से पूछो जब आप पढ़ रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हो कॉलेज में या स्कूल में, तो उनसे आप पूछ सकते हो। सब नहीं बताते, सब नहीं होते पढ़ने वाले, लेकिन कुछ कुछ होते हैं, उनसे आप कांटेक्ट करो, उनसे पूछो। और एट दी एंड अगर कहीं से भी समझ में नहीं आ रहा तो आप अपने क्लास टीचर से, स्कूल टीचर से पूछ सकते हो। तो लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि स्टूडेंट्स को लेक्चर के बीच में पूछना अजीब लगता है, तो वहाँ पे उनको प्रॉब्लम होती है, सब शर्म आती है, या पीछे से बैक बेंचर्स या बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि देखो ये बहुत शाना बन रहा है, या ये ओवर स्मार्ट स्टूडेंट है, ऐसा बोलते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप टीचर से पर्सनली मिल सकते हो स्टाफ रूम में जाके, और उनको बोल सकते हो मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मुझे आप बताओ प्लीज़, मुझे हेल्प करो, तो वो ज़रूर आपको बताएंगे। ओके, उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग 10th और 12th। 10th और 12th में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, जो भी मैंने आपको ऊपर बताया था कि पेपर सॉल्व करना और क्या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढना, उसको पढ़ना, वो सारी चीज़ें सेकेंडरी है, वो सब बाद में आती हैं। ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई हैं, जितना भी चीज़ें, ये सब चीज़ें आपकी बेसिक हैं, ये सब बेस है आपका। अगर ये एकदम क्लियर है ना, आपका माइंड एकदम ये सब सब चीज़ें, फिजिक्स में जैसे मैंने आपको बताया कि फार्मूला को समझो, ये सारी चीज़ें ऐसे करो, मैथ्स के लिए मैथ्स के जो बेसिक फार्मूलाज है वो करो, और अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको आती है तो अब आप 3 मंथ पढ़ के भी अच्छे मार्क्स ला सकते हो, 3 मंथ में भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन अगर लेकिन आपका बेस उसके लिए एकदम स्ट्रांग होना चाहिए और एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी ऐसा होता है। अदरवाइज अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो वहाँ पे आपको 3 मंथ, 4, 5, 6, 10 महीने भी आपको मिल जाएंगे, तो आपको नहीं आने वाला। अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो फंस जाओगे आप फिर वहाँ पे। अभी देखते हैं हम लोग 10th में और 12th में आपको क्या करना है। 10th में 12th में आपको एकदम प्रॉपर प्लानिंग से आगे जाना है। वहाँ पे आपको 9th में और मैंने आपको जैसे बताया 9th में और 11th में आपको बस बेसिक समझना है, बेसिक चीज़ें कि ये हर चीज़ को जो आप कर रहे हो उसको समझो। लेकिन 10th और 12th में आपको क्या करना है, 10th और 12th में आपको एग्जैक्टली प्लानिंग करनी है कि कहाँ पे, जैसे कि बेस्ट ऑफ 5 होता है महाराष्ट्र बोर्ड में, तो ऐसे ही 5 ही सब्जेक्ट पढ़ो जो आपको मार्क्स दिला सकें, और जो एक सब्जेक्ट है उसको पहले ही सोच कर रखो कि ये सब्जेक्ट मेरे को हटाना है, तो इसमें बस पास हो जाओ और 5 सब्जेक्ट पे ध्यान दो तो आपका मार्क्स आएगा। इसको बोलते हैं प्लानिंग। ओके, और 12th में हो तो समझ के एक एक चीज़ को देखो, जैसे कि अगर आप चैप्टर पढ़ना शुरू कर रहे हो, कोई बुक को खोल रहे हो, तो सबसे पहले उसको देखो कि अगर जो भी चैप्टर आप पढ़ो उसका वेटेज कितना है, जो सबसे हाईएस्ट वेटेज है वो वाले चैप्टर्स को पढ़ना शुरू करो। और चैप्टर को स्टार्ट, बहुत सारे स्टूडेंट का मैंने एक मिस्टेक देखा है कि वो शुरू करते हैं पढ़ना और बीच बीच में कोई कोई चीज़ें उनको टफ लग रही होती हैं तो उसको छोड़ देते हैं, और एंड एंड चैप्टर के एंड एंड तक बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। ओके, तो उनका रिएक्शन कैसा होता है फिर पता है, ऐसा। तो पूरा जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसको स्टार्ट टू एंड पढ़ो, स्टार्ट टू एंड तक पूरा A to Z पढ़ो, उसके बाद ही आपको नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करना है। और चैप्टर आपने पढ़ लिया तो याद रखना जो आप छोड़े हो, अगर आपने कुछ छोड़ा है तो बहुत बार ऐसा होता है कि वही एग्ज़ाम में आता है, ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है कि जो नहीं पढ़ा था मैंने वही एग्ज़ाम में आ गया और फिर पूरे चैप्टर का वेटेज वहीं पे ख़त्म हो गया, ऐसा बहुत बार होता है। तो आपको चैप्टर को स्टार्ट टू एंड पढ़ना है, और क्या आपको हमेशा ना टेस्ट देने की आदत डालनी है। टेस्ट दो, जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो आपको लगेगा कि ये तो मेरे को पूरा अच्छे से आ गया, जब पूरा पढ़ लोगे ना तो आपको लगेगा ये तो मेरे को एकदम अच्छे से आ गया है, अब तो मुझे सब कुछ आता है यहाँ से। लेकिन जब आप कोई टेस्ट दोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ मैं यहाँ पर लैग कर रहा हूँ, कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर हो जाती है, फिर तो समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ मैंने गलत किया, ये मुझे अगली बार करेक्ट करना है, यहाँ ये मुझे कि हाँ ये मुझे ये मिस्टेक अब वापस से नहीं करनी है। तो इन चीज़ों पे आपको छोटी छोटी चीज़ें जिस पे आपको ध्यान देना है। टेस्ट देने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपने जो क्लासेस या ट्यूशन में जाते हो आप, वहाँ पे आप बोल सकते हो अपने टीचर्स को कि हमारा जो डेली टेस्ट है,
या वीकली आप टेस्ट कंडक्ट कर सकते करो। और बहुत सारे क्लासेस में, ट्यूशंस में ऑलरेडी ऐसा होता है, टेस्ट कंडक्ट किया जाता है लेकिन स्टूडेंट उसको अटेंड नहीं करते। तो प्लीज़ अपने दिमाग में ये चीज़ डाल लो, आपको हमेशा टेस्ट को अटेंड करना चाहिए। टेस्ट दे दे के आपको एकदम एकदम मतलब इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए ना कि एग्ज़ाम में एकदम हलवा लगना चाहिए हर चीज़। द डे व्हेन यू विल गेट बोर्ड बाय गिविंग टेस्ट्स इज द डे यू विल गेट रेडी फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ओके, सो आपको टेस्ट को कभी छोड़ना नहीं है, हमेशा आपको टेस्ट देते रहना है। साल भर जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़े हैं उसका कम से कम एटलीस्ट एक बार तो उसका टेस्ट दो, तो आपको एग्जैक्टली समझ में आया कि आपकी क्या गलतियाँ हैं। और कोई भी टेस्ट हो रहा है क्लासेस में या कहीं पे भी, तो उसके लिए ज़रूर प्रिपेयर करके जाओ, कुछ तो पढ़ के जाओ, ताकि आपको लास्ट तक जब आप पहुँचोगे ना अपने बोर्ड एग्जाम्स के करीब पहुँचोगे, आपको वहाँ तक पहुँचते ना पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना आप पढ़ चुके होगे ना कि आपको रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा फेज भी आ जाता है। फिर क्या होता है पता है, जो आपके जो फ्रेंड्स होते हैं ना, जो आपको बोल रहे होते हैं कि चलो इन्जॉय करते हैं, घूमते हैं, दिस इज़ लाइफ, क्या तू भी टाइम पास कर रहा है यार, ऐसे बहुत सारे दोस्त होते हैं ग्रुप में, ऐसे बोलेंगे आपको। जब आप अपनी बुक्स में, पढ़ाई में परेशान हो गए ना, तब आपको बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे। तो वही फ्रेंड्स जब एग्ज़ाम लास्ट तक आएगा ना, तो वो बुक में घुसे होंगे और तब आप एकदम चिल होंगे, ये डिफरेंस हो जाएगा फिर। ओके, और फिर जब मार्क्स कम आता है ना, तब क्या होता है पता है, वही दोस्त जो बोल रहे थे ना कि चलो इन्जॉय करते हैं, वही बोलते हैं, वही फिर सोच रहे होते हैं कि काश मैंने इस साल अच्छे से पढ़ाई कर ली होती। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। मैं स्टूडेंट्स से रिलेटेड वीडियोस हमेशा डालते रहूँगा, जो एग्जैक्टली आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वही जेन्युइन वीडियोस ही मैं अपने चैनल पर डालूँगा। ओके, तो आपको हमारा चैनल ज़रूर काम आएगा, क्योंकि अगर आप कोई टीचर्स को फॉलो करते हो तो अच्छी बात है, आपको करना है, करना चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको फॉलो नहीं करना चाहिए। तो लेकिन अगर आप किसी भी टीचर को फॉलो करें तो याद रखना वो टीचर्स हैं, उन्हें हमारी एग्जैक्ट प्रॉब्लम नहीं पता है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, बस आपसे थोड़ा सा हायर लेवल पे हूँ, तो इसलिए मैं जानता हूँ कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है। मैं अभी भी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा हूँ, तो मैं उन चीज़ों पे एग्जैक्ट क्या आपको करना चाहिए उस पे वीडियोस डालूंगा और बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा। ओके, तो वो चीज़ें आपसे मिस ना हो इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए।